अप्लाइड कॉन्सेप्ट क्लासेस की छात्रा फरहाद सिद्दीकी ने इंटर की परीक्षा में 91% लाकर बिहार टॉप करके संस्था का नाम रोशन किया। अप्लाइड कॉन्सेप्ट क्लासेस ने रचा इतिहास, जिस जिस पर जग हंसा है उन्होंने ही इतिहास रचा है। यह काम अप्लाइड कॉन्सेप्ट क्लासेस ने कर दिखाया है। दरभंगा में 6 महीने पहले खुला अप्लाइड कॉन्सेप्ट क्लासेस के संस्थापक रोहित सर, आर्मिन सर, रियाज सर और अंसार सर ने वह कर दिखाया है जिसकी आशाएं किसी को भी नहीं थी। इनके हौसलाओं का कोई वर्णन नहीं है। दरभंगा के इतिहास में पहली बार इतने कम समय में संस्थान को मिली बड़ी उपलब्धियां। संस्थान के संस्थापक का कहना है कि यह सब हमारे मेहनतों का नतीजा है। 6 महीने पूर्व जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो उनको यह विश्वास तक नहीं था कि वह इतने कम समय में इतना कुछ कर पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ ही साथ नए ब्रांच का उद्घाटन भी कुछ दिन पहले आदात चौक नाका 5 के समीप किया था। उन्होंने यह बताया है कि उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनसे बातचीत करने के बाद यह मालूम चला कि उनका मुख्य उद्देश्य बिहार टॉप कराना नहीं है। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है वह मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में छात्रों को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करवाना और छात्र का भविष्य उज्ज्वल बनाना है। इतने कम उम्र में उन लोगों का इतना बड़ा लक्ष्य देखकर हमें उन पर गर्व महसूस हो रहा है। साथ ही साथ शिक्षा को इन लोगों ने एक नए स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया है। संस्था के और बच्चों ने भी सफलता हासिल की है। सना प्रवीण 393 नंबर, विपिन मिश्रा 384, शालिनी कुमारी 374, मोहम्मद मजिद खलीफा 357, MD कामरान 321, शिवांगी कपूर 338, MD मारूफ 325, रितिका राज 331 तथा अन्य छात्र छात्राएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किए, जिसमें से दीपिका, शाहबाज, मोहम्मद राजू शामिल थे। मेरा नाम सना खान है और मेरे पापा का नाम अब्दुल्ला खान है। मैं दरभंगा में रहती हूँ। इस बार मैंने 393 मार्क्स सिक्योर किया है बोर्ड्स 12th में। और सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे गलती किया, उसके बाद अप्लाइड कॉन्सेप्ट तक पहुंची। अप्लाइड कॉन्सेप्ट कैसे हमको यहाँ तक पहुँचाया 393 तक। सबसे पहले जब मैंने टेंथ एग्ज़ाम दिया था तो 386 मार्क्स था मेरा उस टाइम, तो बहुत खुश थे कि चलो अब नीट निकालेंगे, ऐसा वैसा सोच कर मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गए। मैंने बहुत सारा पैसा ही वेस्ट किया। पापा हमेशा सपोर्ट करे, हर चीज़ में पैसा दिए, फिर भी हमको सही गाइडेंस नहीं मिल पाया। लास्ट टाइम पे ऐसे करके जब हम ऑफलाइन ज्वाइन किए तो हमको अच्छा नहीं लगा ट्यूशन सब, इसलिए सब ट्यूशन सब छोड़ने लगे। तो यही सब दिक्कत के कारण फिर से हम ऑनलाइन ले लिया। ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाया और डेडिकेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण फिर से मेरा बोर्ड्स भी ख़राब होने लगा। जब 3 मंथ्स बचा तो हम डर गए कि अब तो मेरा बोर्ड्स भी नहीं होगा, अब क्या करें। तो फिर एक दिन रोहित सर हैं, उनका मैंने स्टेटस देखा तो उनमें बोले हुए थे कि 3 महीने में पूरा 400 मार्क्स का वो गारंटी लिए थे। तो हम वहाँ गए, तब वहाँ पता चला कि यहाँ बच्चे का कैसे केयर होता है। इतना पैसा जो मैंने वेस्ट किया, इतना टाइम जो वेस्ट किया, अगर वो 2 साल पहले हमको मिलता तो अभी मेरा नीट भी क्लियर रहता। हाइट कॉन्सेप्ट क्लासेस, ये मिसर टोला में खान का चौक। आगे मेरा डॉक्टर बनने का सपना है, नीट क्वालिफिकेशन कर देगा। 3 महीना जब बचा मेरा बोर्ड्स के लिए तो मैं अप्लाइड कॉन्सेप्ट क्लासेस में गई। वहाँ मेरे हमको क्या कहते हैं, बायो में रियाज सर, फिजिक्स में रोहित सर और केमिस्ट्री में मास सर ने बहुत हेल्प किया। इतना हेल्प किया कि आज मैंने 393 मंथ्स में मैंने इतना लाया। इसलिए और सब बच्चों का यही बोलूँगी कि बस मेहनत करिए, लेकिन अगर अच्छा मेहनत चाहिए तो अप्लाइड कॉन्सेप्ट क्लासेस में एक बार आगे बस ज्वाइन कर लीजिए, बस एक बार। जब मैंने 3 मंथ्स, लगभग 2 ही मंथ्स होगा तो इतना लाया है, तो अगर पूरा साल कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो तो बिहार टॉप गारंटी करेगा। इसलिए बच्चे सबको यही बोलेंगे कि यहाँ एक बार ज्वाइन करके देखें। हाँ, बोलना ये है कि इस कोचिंग में मेरी लड़की 2 महीना पढ़ी है। 2 महीना के अंदर में अच्छा खासा नंबर लेकर के आई है, फर्स्ट किया है। ये कोचिंग बहुत बढ़िया है और आगे भी हमारी कोशिश है कि मेरी बच्ची उसी कोचिंग में पढ़े और भी बच्चे सब भी जो हैं तो वो कोचिंग में नाम लिखाए। कोचिंग अच्छी है, पढ़ने का पढ़ाने का भी अच्छा माहौल है, उसमें किसी तरह की परेशानियां नहीं है वहाँ।
हमारी लड़की घर में भी मेहनत बहुत किया, रात में भी नहीं सोती थी, दिन में खाने का भी नहीं कर खाते पीती थी, पढ़ने के पीछे तो बिल्कुल परेशान रहती थी ये। और कभी कभी ऐसा हो कि जब पानी पीने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं मिले, मगर पढ़ने में कभी पीछे नहीं हटी। रात के 2-2 बजे रात तक वो अकेला पढ़ती रहती थी अपना किनारे बैठ करके सन्नाटा में। इंशाल्लाह ऐसा तो हमको अपने आप पर भरोसा है कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा पूरा। पढ़ाई में हर चीज़ में मेहनत से पीछे नहीं गई, और जो कोचिंग में गई है वो कोचिंग से अच्छा ही करके निकली है, बहुत खुश है। और बहुत मेहनत किया सना खान। मतलब सर लोग बहुत सपोर्ट किए, हम जहाँ भी पढ़े थे वहाँ पे बस थोड़े दिन पढ़े छोड़ दिए, और फिर यहाँ जब क्रैश कोर्स ज्वाइन किए तो सर लोग बहुत सपोर्ट किए। सर लोग पर्सनली भी हमेशा डाउट क्लियर करते थे 24 आवर्स, और उन्हीं लोग की वजह से आज मेरा इतना अच्छा नंबर आया। अप्लाइड कॉन्सेप्ट 1 मंथ, तैयारी तो मेरी कुछ नहीं थी, बस ऐसे ही मैं जाती थी क्लास और वापस। अब जब से मैंने अप्लाइड कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया, फिर सर लोग इतने डेडिकेटेड थे, तो फिर मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया, और सर लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं बच्चों के प्रति, बेहतर थी और इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ के जितने भी फैकल्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं बच्चों के प्रति, और 24 घंटे हम लोग का डाउट क्लियर करते हैं, और उन लोग हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं हम लोग को जो भी हुआ है आज उन्हीं लोग की वजह से हुआ है। घर पे 2-4-5 आवर्स लास्टली जब क्रैश कोर्स मैंने ज्वाइन किया उसके बाद, उनसे तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही था कि अच्छे वो लोग इंस्टीट्यूट खोजते और अपना मेहनत करते, कुछ आगे मेंस करना है। कहाँ से? यहीं से करना है, दरभंगा से करना है या दरभंगा से बाहर? दरभंगा से ही करना है और यहीं से होगा। मेरा नाम शालिनी है। ट्रेनिंग जो है ना, तो सब हम इन लोग पे आश्रित, जहाँ पे उनका ट्यूशन लगाए हुए थे वहाँ पर, हमारे पास उतना समय का रेलवे में ड्यूटी करते हैं, सुबह गए शाम में आए, इन्हीं से साल में हम अपने बचिया से पूछते थे, बता दिया कि जहाँ उनका जहाँ पर स्टडी कर रहे वो बहुत अच्छा है, बताती है वहाँ पर। हम लोगों तो उतना समय में सुबह में जाते हैं, रात में आते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि खाली समय कभी भी ऐसे रात के भी हम कभी कभी मैंने यहाँ पे इस में रहते आते हैं, तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे तो जब भी रहते बोलते सो जाओ, स्टडी करते रहते हैं सुबह में भी। क्या चाहते हैं आगे, अगर किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट ये चूज करे तो आप उनका साथ देंगे? तो जो चूज करे या जहाँ चूज करे वो हम करने के लिए पूरे तैयार हैं, उसके लिए नहीं। देखिए फेल जो कर गए हैं उसके लिए हम पूरे गार्जियन को जिम्मेवार हैं, और कुछ ये हमने कहे कोई टीचर कोई संस्था ये नहीं, ये गार्जियन का जिम्मेवारी इसमें। जी सबसे पहले मेरा नाम शिवांगी कपूर है। जी हमारा टोटल एवरेज मार्किंग 338 है, और हमने लास्ट 2 मंथ से अप्लाइड कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे रोहित सर, रियाज सर, एलमिन सर एंड हमारे अंसार सर को, जो इतने कोऑपरेटिव हुए हमारे साथ एट द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, एट द लास्ट मिनट ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, लास्ट तो मिनट तक हमें मोटिवेट किया और हमेशा अच्छा परफॉर्म करने के लिए ही मोटिवेट किया। कोई भी मार्क्स की प्रेशर नहीं थी, कोई भी नंबर के लिए मार्क्स के लिए किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं था, बट उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया लास्ट मिनट तक। बस यही कहते रहेंगे कि अपना आप 100% दो, नॉट अबाउट ओनली मी, अबाउट ईच एंड एवरी स्टूडेंट। उन्होंने हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अपने 100% देने की ही कोशिश की है। तो मैं खुद का अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 2 मंथ से ही मैंने सिर्फ अप्लाइड कॉन्सेप्ट में पढ़ा, लेकिन मुझे इनका नेचर, इनका पढ़ाने का तरीका, इनका जो मतलब मोटिवेट करने का तरीका है हमारे टीचर्स का, वो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं और स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आपकी इंस्टीट्यूट कितनी बड़ी है और आप कितने बड़े जगह पे पढ़ रहे हो, बट फ़र्क ये पड़ता है कि आपके टीचर्स के अंदर कितनी क्वालिटी है, क्योंकि मैटर तो क्वालिटी करती है, ना कि क्वांटिटी और ना ही साइज ऑफ इंस्टीट्यूट और ब्रांड ऑफ इंस्टीट्यूट। जी अगर मैं सच कहना चाहूँ तो किसी के भी सक्सेस के पीछे, नॉट अबाउट मी, हर एक स्टूडेंट के सक्सेस के पीछे उसके पेरेंट्स का 90%
मतलब योगदान होता है, क्योंकि अगर वो उसे कॉपरेट नहीं करते, उसे मोटिवेट नहीं करते, तो किसी भी स्टूडेंट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस मुकाम तक पहुंच जाए, चाहे ज़िंदगी के किसी भी मुकाम में, चाहे सफलता ज़िंदगी में मिले या सफलता किसी परीक्षा में मिले, बट हमेशा योगदान उनके माता पिता का ही होता है। अगर मैं अपने माता पिता के बारे में कहूँ तो बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे इस परिवेश में ढाला है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं अपने फैसले ले सकती हूँ, अपने लिए कुछ सोच सकती हूँ और मुझे क्या करना नहीं करना है उसमें चयन कर सकती हूँ। और अगर आप अंक की बात कर रहे हैं तो बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं और कभी भी नंबर के लिए प्रेशराइज्ड नहीं किया कि नहीं आपको बेटर नंबर आने चाहिए, बट पर्सनैलिटी हमेशा डेवलप करने की कोशिश की है उन्होंने मेरी। और अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड है, आपके माता पिता का आपके मतलब आपका कॉपरेट कर रहे हैं, वो आप पे विश्वास कर रहे हैं, तो वही सबसे बड़ी जीत होती है एक बच्चे के लिए कि अगर उनके माता पिता उन पे विश्वास करें, चाहे वो ज़िंदगी को लेके हो, चाहे वो नंबर को लेके हो, चाहे वो सफलता को लेके हो। बहुत सर अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोरोना काल से ढंग से जो है सबको पढ़ाई नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा अंक से 12th पास की है, इसलिए मैं उनकी संस्था को धन्यवाद करता हूँ। घर पे तो लोकल प्रैक्टिस 18 से 20 घंटा तक जो है ये घर में बैठ कर जो है कोरोना काल में जो है अपना जो है पढ़ाई कर रही थी। सबसे बड़ी बात है मेरी बच्ची का नाम शिवांगी कपूर है और जितने जो नंबर लाए उससे मैं बहुत खुश हूँ। इसका श्रेय किसको जाएगा? बच्ची को ही जाएगा, पढ़ने वाली को ना जाएगा, पढ़ती है तो इसी का ना जाएगा। जो हमसे हो रहा था मतलब जो हमसे हुआ मतलब तो कोरोना काल में उससे हम कोऑपरेट किए। कितने मंथ से आप इसको पढ़ने के लिए बाहर भेज रही थी और जिस इंस्टीट्यूट का इन्होंने नाम लिया वो उस इंस्टीट्यूट के यहाँ पर जो है ना टीचर्स आए हुए थे और उन्होंने मिठाई खिला करके और उसको है ना उस गर्व में महसूस करवाया। हाँ, उसने बहुत गर्व, ये तो 2 मंथ से जा रही थी वहाँ पे अप्लाइड कॉन्सर्ट पर 2 मंथ से जा रही थी कि हमें बहुत गर्व है जो वहाँ पे पढ़ रही तो इतना अच्छा नंबर लाई।